एनडीए का रुझान बढ़ने से खास करके एनडीए खेमा में काफ़ी खुशी मतलब जताई जा रही है, लोग हर्षोल्लास मना रहे हैं। अभी हम भाजपा के दफ्तर में हैं और भाजपा के दफ्तर में भी इसको लेकर के कार्यकर्ता में काफ़ी उल्लास है, काफ़ी हर्षोल्लास है। अभी हम बात करने जा रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता संजय टाइगर जी से, इनसे हम जानेंगे। सर, मतलब शुरुआती में कम होने के बाद अभी तो रुझान आप लोग के पक्ष में आ रहा है? नहीं, हम पहले से आश्वस्त थे कि चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आएगा और उसका कारण भी था। हमने बिहार की बेहतरी के लिए 15 सालों में बहुत काम किया है। केंद्र की सरकार ने भी बिहार में बड़ा सहयोग किया है। आज सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी समस्याओं का हमने समाधान किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। तो ये लोगों को फ़र्क दिखाई दे रहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज हमने खोले हैं और कानून का राज स्थापित किया है और कांग्रेस और आरजेडी के शासन को भी लोगों ने भोगा है। जंगल राज, बतंग का राज था, राजकता था, लोग पलायन को मजबूर थे, अपहरण उद्योग चल रहा था, सामूहिक नरसंहार हो रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त था, चरवाहा विद्यालय खुल रहा था। तो उनके कारनामे 15 वर्ष के सामने थे और हमारा काम सामने था। लोगों ने तय किया कि हम काम के साथ जाएंगे, विकास के साथ जाएंगे और लोग मानने लगे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो विकास है और भाजपा है तो भरोसा है। लोगों ने एनडीए पर भरोसा किया, लोग विकास के साथ जुड़े और बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में जो विकास की गति है वो अवरुद्ध नहीं हो और तेज़ी से विकास आगे बढ़े और एनडीए विकास का पर्याय है। एनडीए विकास में विश्वास करते हैं, हम चुनावी मुद्दे में भी विकास के नाम पर ही गए थे। सबसे बड़ी बात है कि 2/3 बहुमत लेकिन आपको मिलता नज़र नहीं आ रहा है। अब देखिए, बहुमत तो बहुमत है, स्पष्ट जनादेश हमारे पक्ष में आएगा जो रुझान संकेत दे रहे हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में हम पुनः सरकार बनाएंगे। आप नीतीश की बात कर रहे हैं लेकिन पिछले दिनों अश्विनी कुमार चौबे ने भी एक बात बोला है कि नीतीश कुमार केंद्र में चले जाए। नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कई बार स्पष्ट किया है और दोहराया भी है, एनडीए की सरकार बनने पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे निर्णय में कोई बदलाव नहीं हुआ, हम नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। बीजेपी को ज़्यादा सीट आ रही है, इसमें प्रेम कुमार ने अभी जो अभी बयान दिया है कि सीएम के बारे में विचार किया जाएगा। अब देखिए, आप एनडीए को टुकड़े में करके मत देखिए, हम उसको संपूर्णता में देख रहे हैं। आप संधि विच्छेद मत करिए, बीजेपी कितने सीट, जदयू कितने सीट। जब पहली बार नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे तब भी हमारी सीटें उनसे अधिक थी, जब एक सप्ताह के लिए मुख्यमंत्री बने थे। हमने जब नेता पहले तय कर लिया, हमारे शीर्ष नेताओं ने कह दिया कि बिहार में हम नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, तो फिर उसमें अभी किंतु परंतु का कहाँ सवाल है। और हमारे पार्टी के निर्णय में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, वही निर्णय है कि नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार के शासन को फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि आपने कहा था 0/0 होगा, कुनवा साफ हो जाएगा राजद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए, इसका हम विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, किसको कितनी सीटें आई, उसके वजह क्या थे, ये विश्लेषण का विषय है, विवेचना का विषय है, वो बाद में करेंगे। अभी तो हमें बहुमत का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, हम सरकार बनाएंगे और बिहार में विकास की गति को और तेज़ करेंगे। ये थे संजय टाइगर जी, वो भाजपा के मतलब शीर्ष प्रवक्ता हैं ये। इनका कहना था कि अभी हम इस कोई सी चीज़ विचार नहीं करेंगे, पहले हमारी बहुमत आ रही है, सरकार बनेगी, उसके बाद बैठ के विचार किया जाएगा कि राजद को कितनी सीट आए, हमें कितनी कम सीट क्यों आई, इसका विचार बाद में किया जाएगा। पहले हम मतलब सरकार बनाने की स्थिति में है और बहुमत हमारे पक्ष में दिख रहा है, रुझान हमारे पक्ष में दिख रहा है, पहले हम उसको देख रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। आप देखते रहिए प्रत्येक नाइव, अपने साथी दीपक के साथ अजय शंकर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी, एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार, राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास, कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज, क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल, पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज़ लाइव।